बारी है एक शेर दिल पाकिस्तानी की। मैं आपको बताती चलूं पाकिस्तान की इस बेटी के बारे में जो कि पहली फीमेल मेंबर हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड की, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट द होल ऑफ एशिया। इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं राफिया कसीम बेग से। अस्सलाम वालेकुम राफिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप जरा महसूस कर रही हैं ये जो जुबली है इन द एयर, द पैशन, हमें आवाज आ रही है बैंड की और हमारे लहू को गरमा रहे हैं ये तराने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। बतौर पाकिस्तानी सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का और फिर अपने पाकिस्तान का, फिर अफवाज पाकिस्तान का बेहद शुक्र गुजार हूँ। सोचा कैसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए? मैंने एज अ कांस्टेबल अपनी प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन की। मेडिकल टेस्ट जिस दिन मेरा हुआ था उस दिन हमारे बाहर सेशन कोर्ट के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कोई 15 मिनट का गैप था। जहाँ पर मेरा ऑटो रुका था वहाँ 15 मिनट के गैप के बाद ही ब्लास्ट हुआ। तो मेरी मदर ने डर कर कहा कि बेटा नहीं करते, लेकिन मैंने अम्मी को कहा कि आज अगर आप डर कर रह जाएंगी तो कल को हर माँ यही सोचेगी कोई ना कोई तो आ गया है। तो मेरी माँ ने कहा कि फिर मैं अपनी बेटी पहले पेश करूंगी। राफिया सलाम है आपका पूरी कॉम को, लेकिन आज मैं देख रही हूँ आप केपी पुलिस में, आपका आप यू नो यू आर अ पार्ट ऑफ केपी पुलिस, लेकिन हम आपको एएनएस की वर्दी में देख रहे हैं। मैम जिस वक्त मैंने केपी पुलिस ज्वाइन किया था उस वक्त पाकिस्तान को जरूरत थी ऐसी बेटी की जिसको पता हो कि अपने मुल्क के लिए उसने क्या करना है, और उस वक्त उस धमाकों से उस बारूद से अपने मुल्क को बचाना था। आज हमारी जवान नस्ल नशे की लत में जा चुकी है और ये वो बारूद है जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। दुश्मन ने ये सोचा कि बारूद से तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन अक्सर लड़कियों को कहा जाता है वो सिंफ नाजुक हैं, नजाकत से रहा करें, उनके लिए आप क्या कहेंगे, उन बेटियों को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानी बेटी इतनी कमजोर नहीं कि वो सिंफ नाजुक हो। पाकिस्तानी बेटी जब वक्त आए तो बारूद से भी खेल सकती है, सीने पे गोली भी खा सकती है।